नमस्कार, स्वागत है आपका जेएनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा है, जिसमें उनसे आगे की सोचने और 2047 में भारत के लिए योजना तैयार करने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से इसे लेकर योजना बनाने की गुजारिश की कि जब हम 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो देश कैसा होगा। नड्डा ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश के युवाओं के सक्रिय योगदान की भी मांग करते हुए कहा कि भारत के युवा अवसर चाहते हैं, बाधा नहीं। उन्होंने पत्र में विकास की राजनीति को अपनाने के लिए विपक्ष से अपील की, साथ ही विपक्ष पर राष्ट्र की भावना पर सीधा हमला करने और मेहनती नागरिकों पर आक्षेप लगाने के लिए आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। उनको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। बता दें कि आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी हिंसा की निष्पक्ष जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित करने का आग्रह किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ के जिलाधिकारी ने आगरा एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनऊ टोल प्लाजा पर टीमें तैनात कर कोविड टेस्ट कराने का आदेश जारी किया है। रविवार को राज्य में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफर करने वाले अब आगरा टोल प्लाजा पर कोरोना टेस्ट के लिए तैयार रहे। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आगरा एक्सप्रेसवे पर कोरोना जांच करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दो दिन की मामूली राहत के बाद आज से एक बार फिर लू यानी हीट वेव की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज से फिर दो दिनों तक लू चल सकती है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए जेएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.jnpnews.in पर जाएं।